सो हेलो एवरी वन कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू माई चैनल वन सेकेंड और मेरे पास है द ऑल न्यू पल्सर एन वन फिफ्टी ठीक है तो तीनों कलर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ ये वाला नया लॉन्च हुआ कलर है ठीक है बिल्कुल ब्रांड न्यू वाइट के ऊपर और ये वाला ब्लैक के ऊपर है कुछ ऐसा ये देखो और ये वाला एक रेड वेरियंट है ठीक है तो फिलहाल अभी ये तीन ही कलर में अवेलेबल है तो सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि N160 के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस है इसका जो इंजन है वो भी एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू 150 फिफ्टी सी सी इंजन है पुराने वाले पल्सर 150 का इंजन नहीं है इसमें तो क्या क्या चीज़ है चलो देख लेते तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है ठीक है और अगर हम लोग ब्रेक्स की बात करें तो इसमें डुअल डिस्क नहीं मिलता है सिंगल डिस्क मिलता है विथ सिंगल चैनल ए और पीछे का अगर ब्रेक में आप लोगों को दिखाओ तो पीछे आप लोग देखो यहाँ पे आर एल पी सेंसर मिलता है ठीक है ये वाला व्हील देखो ये आर एल पी सेंसर का व्हील है तो आर एल पी सेंसर क्या होता है कि रियल रियर व्हील प्रोटेक्टर मतलब अचानक से सडन सामने का ब्रेक मारने से कभी कभी क्या होता है कि पीछे का व्हील जो लिफ्ट होने मांगता है और फिर क्रैसेज हो जाते हैं तो उस चीज़ को ये मतलब होने नहीं देता है उस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है ठीक है तो ये एक टाइप ऑफ मतलब ए बी एस की तरह ही काम करता है तो एक और चीज़ अगर हम लोग देखें तो एन वन सिक्सटी में आप लोगों को यहाँ पे स्प्लिट सीट देखने को मिलता है इसमें सिंगल सीट देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्रैबरेल जो है सिंगल ऐसे ग्रैबरेल देखने को मिलता है जबकि एन वन सिक्सटी में हम लोग को स्प्लिट uh, ग्रैबरेल देखने को मिलता है अगर मैं आप लोगों को बैकलाइट दिखाऊँ तो बैकलाइट ये देखो कुछ इस तरह का स्प्लिट बैकलाइट है एन वन सिक्सटी में जैसे देखने को मिलता है सेम टू सेम जब तक हम लोग बाइक को स्टार्ट नहीं करते तब तक बैक लाइट नहीं जलेगी सो so, अभी मैं चाबी ऑन करके आप लोगों को हेडलाइट सेटअप क्या है वो दिखा देता हूँ सामने हेडलाइट और पीछे का टेललाइट दोनों फुल एल ई डी मिलता है और सामने एल ई डी मिलते हैं और उसके साथ यहाँ पर हम लोग को मिलता है प्रोजेक्टर हेड हेडलैम्प इसको जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइक को जैसे स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे देखो प्रोजेक्टर हेडलैंप जलता हुआ दिखेगा और इसको अगर हम लोग हाई बीम करें तो ऐसा कुछ है थ्रो इसका सामने का मर्गट का डिज़ाइन अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को जैसे एन वन सिक्सटी में सेम टू सेम है ऐसे टू टोन में ऐसे हल्का सा डिज़ाइन है ठीक है ऐसे मतलब ब्लैक के ऊपर और वाइट के ऊपर और इसमें भी ऐसे ब्लैक ब्लैक के ऊपर ग्लॉसी ब्लैक एंड मैट ब्लैक इसमें भी सेम टू सेम रेड और ब्लैक में सस्पेंशन की बात करूँ तो सामने आप लोग को यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं पीछे की सस्पेंशन अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉकर मिल जाते हैं सो so, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर गए देखो आप लोगों को किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन मिलता है एवरीडे मॉर्निंग में आप अगर किक से स्टार्ट करते हो तो आपका इंजन का जो लाइफ है वो और बेटर होता है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है हैंडल बार कुछ इस तरह का है जैसे एन में देखने को मिलता है सेम टू सेम है आ, इसके जो इंडिकेटर्स है कह पीछे के इंडिकेटर्स और सामने के इंडिकेटर्स दोनों आप लोगों को हेलोजन इंडिकेटर सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है मैं स्टार्ट करके अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का है देखो हेलोजन इंडिकेटर्स अभी धूप है बट फिर भी विजिबिलिटी अच्छा है अगर मैं स्विचेस की बात करूं तो इस साइड पे आप लोगों को मिलता है गाइस कट ऑफ स्विच जो इंजन कट ऑफ स्विच है और यहाँ पर आप लोगों को सेल्फ का स्विच मिलता है ठीक है और इस साइड में आप लोगों को मिलता है गाइस हाई बीम लो बीम का यहाँ पे पाँच लाइट के लिए छोटा सा बटन यहाँ पे टर्न सिग्नल्स का और यहाँ पे हॉर्न का स्विच सबसे अच्छा तो मुझे ये वाइट कलर का ये जो रेड ग्रे एंड ब्लैक के ऊपर जो ग्राफिक्स है ना ये वाला चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये कलर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है एन वन फिफ्टी ए लिखा ये बहुत अच्छा लगता है इस ठीक ये वाइट कलर लिटरली बहुत अच्छा लगता है अगर मैं आप लोगों को फोट्रेसर्स दिखाऊँ तो पीछे आप लोगों को मेटल फोट्रेसर्स मिल रहे हैं कुछ इस तरह का सामने का फोट्रेसर जो है ये कास्टिंग और रबर का एक मिक्सचर है ब्रेक पैडल कुछ इस तरह का मिलता है किक का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है ठीक है सामने आप लोगों को नॉर्मल सा लेग गड्ड देखने को मिल जाता है और इस साइड में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो बढ़िया सा यहाँ पे फुटरेसर मिल रहा है ठीक है अगर लेडीज़ वेडीज़ बैठते हैं पीछे साइड के जो लोग बैठते हैं उनके लिए बढ़िया सा फुटरेसर यूनिट अलग से एक मिल रहा है और साड़ी गार्ड एक अलग से मिल रहा है ठीक है और यहाँ पर कैसे आप लोगों को मिल जाता है टायर हगर मिल जाता है मैं अच्छे से दिखाता तो हूँ आप लोगों को तो पीछे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टायर हगर मिल जाता है बढ़िया सा अंडरवेली वैली एग्जॉस्ट तो है ही इसमें आप लोगों को डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड दोनों का ऑप्शन मिलता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है और साइड का पैनल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा कार्बन फाइबर का यहाँ पे फिनिश है अगर मैं सामने से दिखाऊँ ये देखो ऐसे टाइप का कुछ है कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पे पल्सर का एनबुलम ऐसे और इसमें भी सेम टू सेम ऐसे स्टिकर तीनों में आप लोगों को ऐसे स्टिकर देखने को मिलेगा और ऐसे पल्सर का एनबुलम देखने को मिल जाएगा ठीक है मिरर्स कुछ इस टाइप के मिलते हैं अगर मैं आप लोगों को टायर का साइज़ बताऊँगा इस टायर सामने आप लोगों को मिलता है नाइन्टी बाय नाइन्टी सेवेंटीन इंच व्हील मिलता है और पीछे का जो टायर है गाइस ये आप लोगों को मिलता है वन ट्वेंटी बाई एट्टी सेवेंटीन इंच व्हील ठीक है तो अगर इंजन की बात करेगा इस तो इसमें आप लोग को मिल रहा है वन फिफ्टी सी सी एस ओ एच सी एफ आई एयर कूल्ड इंजन ठीक है इसमें आप लोगों को ऑयल कूलिंग या फिर रेडिएटर कूलिंग लिक्विड कूलिंग ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है और पावर फिगर्स की अगर बात करो तो 14.5 पॉइंट की पावर मैक्स और अगर टॉर्क की बात करें तो 13.5 पॉइंट की टॉर्क जनरेट करती है सिक्स थाउजेंड आर पे ठीक है तो ऐसा कुछ है और इसमें क्या आप लोगों को सिंगल स्पार्क इंजन देखने को मिलता है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वन फिफ्टी सी इंजन है सिंगल स्पार्क इंजन देखने को मिलता है इसमें आप लोगों को ट्वीन स्पार्क जो डी टी टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलता है ठीक है अगर इसको रेफ करें तो तो कुछ इस तरह का साउंड है इसका काफ़ी अच्छा साउंड है और इंजन जब रेप कर रहा हूँ ना तो काफ़ी फ्री फील हो रहा है अभी चला के फुल थ्रॉटल देखे भी देखेंगे बट वो वाला जो है वो आप लोगों को राइड रिव्यू में पता चलेगा कि कैसा है नहीं है सो so, अगर मैं आप लोगों को मीटर दिखाऊं यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग का एक मिक्सचर मिल रहा है देखो यहाँ पे एनालॉग टैकोमीटर है और यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों को टर्न सिग्नल्स मिलता है लेफ्ट एंड राइट में राइट में करो तो ऐसे देखो राइट में ठीक है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे राइट right लेफ्ट में टर्न सिग्नल्स का मिलता है इंजन चेक लाइट यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर हाई बीम लो बीम का यहाँ पे लाइट मिलता है जो कि अगर मैं स्टार्ट करूँ बाइक को सो so जैसे कील स्विच डाल रहा हूँ मैं तो यहाँ पे देखो साइज स्टेंड का इंडिकेटर और न्यूट्रल का इंडिकेटर दिख रहा है यहाँ अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये देखो हाई बीम का लाइट भी आप लोग को दिख रहा होगा और यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइट है मीटर में और यहाँ पे गए स्पीडोमीटर छोटा सा क्लॉक यहाँ पे गेयर इंडिकेटर गेयर पोजिशन इंडिकेटर फ्यूल गॉज यहाँ पर और इसको अगर मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे ट्रिप वन ट्रिप टू डिस्टेंस टू तो एम टी ऑटोमीटर ठीक है ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे एबीएस का छोटा सा लाइट भी देखने को मिलता है सो so, अगर मैं एन वन सिक्सटी का कम्पेरिज़न में आप लोगों को बताऊँ तो वन किलो है ये और एन का जो वेट है वन एंड वन किलो है ठीक है तो सेवन टू एट किलो ऑलमोस्ट कम है तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है आप जब चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा निम्बल फील होगा अगर मैं अभी आप लोगों को प्राइसिंग बताऊँ तो वन लैख सेवेंटी थाउजेंड ये आप लोगों को एक शोरूम में मिलेगा वन लाख सेवेंटीन थाउजेंड एट्टीन थाउजेंड अप्रॉक्स आप, आप लोगों को एक शोरूम मिलेगा गियर पैडल कुछ आप लोगों को इस तरह का मिल जाता है ये देखो इस तरह का और साइड का डिज़ाइन वगैरह कुछ इस तरह का है अच्छे से देख लो आप लोग तो गियर इसमें भी आप लोगों को फाइव स्पीड मिलता है वन डाउन फोर अप जैसा रहता है और इसका जो रिम का डिज़ाइन है गाइस एलो का डिज़ाइन है ये आप लोग देख लो पी वन फिफ्टी में जैसा आता था सेम टू सेम उस तरह का आता है एकदम सेम टू सेम अच्छे से देख लो और इसका जो सामने का डिस्क है इस टू सिक्सटी एम का डिस्क मिल रहा है विद सिंगल चैनल ए और पीछे का जो ड्रम ब्रेक है आर सेंसर के साथ वन थर्टी mm का पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है और साइड में आप लोगों को चेन गार्ड भी मिलता है बढ़िया सा ये देखो चेन गार्ड के साथ ये वाला यूनिट फुल ऐसे टाइप का हाफ चेन गार्ड है एक्चुअली सो so, ये था गाइस N150 का एक स्पेसिफ़िकेशन वीडियो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा सब कुछ क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसका राइड रिव्यू वीडियो तो मिलते हैं राइड रिव्यू वीडियो में दूसरे वीडियो में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना आ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बी सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड गाइस बाय